हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये करवा चौथ मेकअप लुक। और इस वैसे तो इस मेकअप लुक को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन पर या किसी भी इंडियन फेस्टिवल पर कर सकते हैं। और मैंने आज ये करवा चौथ के लिए किया है मेकअप लुक। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं। और जितने भी मैंने ये ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, जो भी चीज़ें मैंने आज इसमें यूज़ की हैं, तो उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ पतंजलि की सौंदर्या एलोवेरा जेल एज अ फेस प्राइमर। मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और इसे ऐसे ही कुछ देर लगा रहने दूँगी, तब तक मैं अपना आई मेकअप कम्प्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये प्रो कंसीलर। और इससे क्या होगा, जो भी मेरी आईज़ पर पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, वो हाइड हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें और भी काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से भी शेड्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पूली की हेल्प से पहले अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर रही हूँ, और इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी द जैकलिन हिल पैलेट की हेल्प से। और इसमें जो डार्क ब्राउन कलर का शेड है, मैं ये ले रही हूँ। और मैं यहाँ पर पाउडर फिलिंग कर रही हूँ आईब्रोज़ की। उसके बाद मैं लैक्मे लूज़ पाउडर की हेल्प से जो मैंने कंसीलर लगाया था, थोड़ा सा मैं इसे सेट कर लूँगी ताकि मेरे आई शेडो में कोई भी क्रीज लाइन ना बने। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूँगी। और इसे थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से लाइट पिंक कलर का शेड लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए इसे ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं ये डार्क कलर का शेड ले रही हूँ इसी पैलेट से, और इसे भी मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूँगी। हमेशा हमें लाइट शेड से शुरू करना चाहिए क्रीज लाइन पे, जब भी हम मेकअप करते हैं तो इस तरीके से। तो ये देखिए, ब्लेंड हो चुका है अच्छे से मेरा आई शेडो। और अब मैं एक फ्लैट स्मॉल ब्रश को लूँगी और कंसीलर को अपने आईलिड पर इस तरीके से लगा लूँगी। और इसके बाद मैं ये लिपस्टिक की हेल्प से अपना मेकअप कर रही हूँ गाइस। मैं ये देखिए, ये एडीएस की लिक्विड लिपस्टिक है, और इसे इस तरीके से मैं पूरी आईलिड पर लगा लूँगी। और आउटर वी पर मैं यही ब्लैक कलर का शेड लूँगी, इस तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। और मैंने इसे सिर्फ वहीं पर ब्लेंड करना है, आगे नहीं लेकर आना है अपने से। और अब मैं यही लाइट पिंक कलर का शेड जो कि मैंने क्रीज लाइन पर लगाया था, उसे अच्छे से लेकर मैं अपनी आईलिड पर ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है, ताकि मेरी लिपस्टिक जो थोड़ी सी जो होती है ना लिपस्टिक में, यू नो, ड्राई होने लगती है, तो वो नहीं होगी। इससे इस तरीके से ये सेट हो जाएगी अच्छे से। और अब मैं ये मार्स शिमर आई शेडो पैलेट से सिल्वर कलर का शेड लूँगी और इस तरीके से अपनी सेंटर आईलिड पर प्लेस करूँगी इसे। अब मैं थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे मेरे आई शेडो में। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर, और इसकी हेल्प से मैं विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी अपना। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा विंग्ड आईलाइनर भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ स्मॉल सा ही बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। तो चलिए बढ़ते हैं फेस मेकअप की तरफ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, और इसे अच्छे से मैं इस तरह से डॉट डॉट लगाकर ब्लेंड कर लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और जब भी आप फाउंडेशन को इस तरीके से ब्लेंड करते हैं, तो गाइस आपकी ब्यूटी ब्लेंडर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए। तो ये देखिए, ये अपने साइज़ में डबल हो गया, और इस तरीके से मैं अब इसे ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, काफ़ी ईजिली ब्लेंड कर देता है आपके फाउंडेशन को। तो ये देखिए, अब मैं मेबलिन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। नेक एरिया को बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस, नेक पर भी आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है और कॉम्पैक्ट पाउडर भी ज़रूर लगाना है।
तो मैंने ऑफ कैमरा अपनी फॉल्स लैशेज़ वियर कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर मस्कारा लगा रही हूँ ताकि ये मेरी ओरिजिनल आई लैशेज़ में अच्छे से मर्ज हो जाए। और इस तरीके से अब मैं यही पिंक कलर का शेड अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी। और नई दुल्हन भी गाइज इस मेकअप को कर सकती है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का काजल लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा काजल है ये भी, डेली में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ, इसी कंसीलर की हेल्प से कंटूर कर लूँगी। काफ़ी अच्छा कंटूरिंग का भी काम करता है ये कंसीलर। और अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं हुडा ब्यूटी पैलेट से ये पिंक कलर का शेड लूँगी और एज अ ब्लश मैं इसे लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर तो बहुत अच्छा लगता है भाई, फेस्टिवल में चमकना है तो हाइलाइटर तो लगाना ही है ताकि आपका फेस और ज़्यादा दमके और चमके। और गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक के लिए लगा रही हूँ, मैंने अपने लिप बाम को रिमूव कर लिया है और इसके बाद मैं यही कंसीलर अपने लिप्स पर लगा रही हूँ ताकि इससे क्या होगा कि आपके होठों के आसपास जो भी पिगमेंटेशन होती है या जो भी यू नो थोड़ा सा अनइवन स्किन टोन होती है ना यहाँ पर, तो वो ठीक हो जाएगी और जिससे मेरी लिपस्टिक का कलर भी अच्छा दिखेगा। लिप लाइनर की हेल्प से पहले अपने लिप्स को फिल कर लिया है मैंने, उसके बाद मैं ये ADS की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ। यही वही शेड है जो मैंने अपनी आईज़ पर यूज़ किया था, तो काफ़ी अच्छा शेड है। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर ताकि मेरा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग बना रहे और अच्छे से सेट भी हो जाए, फिक्स हो जाए। सो गाइस मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है, अपनी ज्वेलरी भी मैंने पहन ली है, गजरा लगा लिया है। गाइस आप बताइएगा मुझे कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ अलग ट्राई किया है और वो क्या करा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ज्वेलरी पसंद आई है तो इसकी परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और एडवांस में आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से।